हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नाल्टिमा टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसको उपयोग शराब की लत को छुड़ाने के लिए यूज में लिया जाता है और भी बहुत सारे इस टैबलेट के फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाल्टिमा टैबलेट के क्या फायदे हैं और इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और नाल्टिमा टैबलेट की क्या डोज रहती है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने नाल्टिमा टैबलेट का यूज नहीं करना है और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपने नाल्टिमा टैबलेट के साथ यूज नहीं करनी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं नाल्टिमा टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिल जाती है। बात कर तो यह टैबलेट आपको मार्केट में 880 रुपए में मिल जाती है और इस टैबलेट में नाल्ट्रेक्सोन कंपोजिशन दिया होता है, जिसको कि इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम बात कर लेते हैं नाल्टिमा टैबलेट के फायदों के बारे में। बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग शराब की लत को छुड़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। शराब की लत क्या होती है? शराब की लत एक क्रोनिक और प्रगतिशील बीमारी है, जिसमें शराब पीने पर नियंत्रण रखने में समस्याएं होती है। व्यक्ति शराब पीते रहता है, समस्याएं होने के बाद भी शराब नहीं छोड़ता। शराब पर शारीरिक निर्भरता और शराब छोड़ने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं, जिनमें कि शराब के प्रभाव को महसूस करने के लिए और अधिक शराब का पीना, अपनी पीने की आदतों के बारे में पूछे जाने पर हिंसक या नाराज हो जाना, खाना ढंग से नहीं खाना, शराब पीने के कारण काम या स्कूल नहीं जाना, शराब के सेवन को नियंत्रित करने में असमर्थ होना, यह कुछ लक्षण हैं जो कि शराब की लत लगने पर दिखाई देते हैं। तो शराब की लत को छुड़ाने के लिए भी नाल्टिमा टैबलेट का यूज लिया जाता है। और बात कर तो नाल्टिमा टैबलेट का उपयोग ओपिओइड जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। इस समस्या में क्या होता है? इस समस्या में व्यक्ति को दर्द निवारक दवाई दी जाती है, जिनमें कि हीरोइन, ऑक्सीकोडोन, ट्रामाडोल, मेथाडोन जैसी कुछ दवाएं दी जाती हैं। जब व्यक्ति इन दवाओं को लंबे समय तक यूज करता है तो व्यक्ति इन दवाओं पर निर्भर हो जाता है। इन दवाओं के बिना उस व्यक्ति को रहना मुश्किल लगता है, तो तब भी नाल्टिमा टैबलेट का यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे नाल्टिमा टैबलेट के कुछ फायदे। अब फायदे जानने के बाद हम नाल्टिमा टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको जोड़ों में दर्द का होना, मांसपेशियों में दर्द का होना, सिर में दर्द का होना, उल्टी का होना, कमजोरी का होना, जी मिचलाना या पेट में दर्द का होना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, नींद से जुड़ी समस्या का होना, यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाल्टिमा टैबलेट की डोज के बारे में। बात कर तो नाल्टिमा टैबलेट की डोज पेशेंट की कंडीशन के अनुसार दी जाती है। अगर हम नाल्टिमा टैबलेट की कॉमन डोज के बारे में बात कर तो इस टैबलेट को कभी भी लिया जा सकता है, यानी कि इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं और इस टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप नाल्टिमा टैबलेट को एक फिक्स टाइम पे लेते हैं तो आपको इस टैबलेट का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं नाल्टिमा टैबलेट को यूज करने के साथ आपने कौन सी दवाइयाँ यूज नहीं करनी है। बात कर तो कोडीन, पैरास्टामोल, लेमोविडीन, एबेक्कावीर, डेक्सोमेथोरफन, क्लोरफेनिरामाइन, यह कुछ दवाएं हैं जो आपने नाल्टिमा टैबलेट के साथ यूज नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे पेशेंट है जिन्होंने नाल्टिमा टैबलेट का यूज नहीं करना है। बात कर तो जिनको डिप्रेशन है, या जिनको लीवर रोग है, या जिनको गुर्दे की बीमारी है, या जिनको आत्महत्या का विचार आता है, यह कुछ ऐसे पेशेंट है जिन्होंने नाल्टिमा टैबलेट का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यह थी नाल्टिमा टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।